बिहार में ये इफ्तार वाली राजनीति बहुत चर्चा में है सुजीत, और जिस तरह से अभी दोनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने होंगी, तो क्या एक सकारात्मक संकेत होगा ये? देखिए मल्लिका, दो वर्षों तक तो इफ्तार पार्टी हुए नहीं कोरोना की वजह से। अब इस साल शुरू हुआ है तो जाहिर तौर पर लोग एक दूसरे से मिलना घुलना ये सब तमाम इफ्तार पार्टी के जरिए ही होता है। लेकिन रही बात ये सकारात्मक संकेत की, तो हम ये कह सकते हैं कि मिलने से तो सकारात्मकता आती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपस में मिलजुल से अब नीतीश कुमार 5 साल के बाद राबड़ी देवी आवास गए, वो भी पैदल गए, तो लोगों को लगा कि कुछ होने वाला है, बिहार में कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार ने कहा कि ये ऐसे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ये सांप्रदायिक सौहार्द का मामला है और उसमें हमने शिरकत की। लेकिन ये बात उन्होंने 2018 के 2019 के इफ्तार पार्टी में नहीं कही, तो हम इस पे ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारी नजर से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो आपस में जो मेल जोल होता है तो कहीं ना कहीं कुछ बात होती है। और आज जैसा कि जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से आज हज भवन में एक इफ्तार पार्टी है और उसमें राबड़ी देवी, वैसे तो बुलाया गया था आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भी, लेकिन उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो जेल से आज निकल पाएंगे, वो भी दिल्ली में है, तो उनका तो शामिल होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन खबर यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी ने हामी भरी है आने के लिए, तेजस्वी यादव भी आएंगे ऐसा लगता है, तो निश्चित तौर पर एक और फिर से कहानी बनेगी। लेकिन क्या है कि इस बीच में आप देखेंगे मल्लिका कि बिहार में कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा चल रही है, तो उसमें अगर कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है तो फिर आरजेडी से दोस्ती की बात हम कैसे कर सकते हैं? दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों पर हमारी नजर है और दोनों पर हमारा ध्यान है, क्योंकि अगले जो 2-3 महीने है बिहार के, वो खासतौर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव तक, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये अगर निकल गया तो फिर ठीक है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। जी, पिछले 2 सालों से तो इफ्तार पार्टी नहीं हुई, यानी कि ये जो अब पार्टियां हो रही हैं इसके पीछे जरूर कोई खास मकसद है। और मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सूत्रों का ये मानना है कि बिहार में सांप्रदायिक अशांति पैदा करने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कड़ा संदेश देना चाहते हैं वो, इसीलिए वे तेजस्वी यादव और राजद के साथ घनिष्ठता दिखा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि 2 वर्ष जो 2020 और 21 का जो समय था वो कोरोना काल था, उसमें इफ्तार पार्टी हुए ही नहीं। लेकिन 2017 में आखिरी बार नीतीश कुमार ने आरजेडी के इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था, उसके बाद सरकार बदल गई थी, आपको याद होगा 2017 जुलाई में नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के एनडीए के साथ शामिल हो गए थे, और 5 साल बाद वो इस बार इफ्तार पार्टी में, आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। तो निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा हुआ है, बिहार इसे अभी तक अछूता है, ये बात आप हम कह सकते हैं, क्योंकि चाहे वो महावीर जयंती हो, रामनवमी हो, कहीं भी कोई किसी प्रकार का ये घटना दुर्घटना अभी तक नहीं हुई है। और जिस तरीके का हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद जो मैंडेट मिला था बीजेपी को, तो बीजेपी के हौसले काफी बुलंद थे, हालांकि बीच में बिहार में एक उपचुनाव हुआ, बोचहां का उपचुनाव हुआ, उसमें बीजेपी की करारी हार हुई है, उससे उस हौसले में कमी आई है। तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश देने की कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं और बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आप कुछ करेंगे गड़बड़ तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक बात तो जरूर है, इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है इसमें।